Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video, we will do the chapter 2, what is long, what is round of your Joyful Mathematics textbook. So in this chapter, we will learn about different stories, different plays, and through these stories and plays, we will learn about various shapes and sizes. Okay, so let's start this chapter. In first part, we can see look around. So what we have to do here, let's see. Vidya Didi asked all the children to sit in a circle. Vidya Didi ne sabhi bachchon ko bola ki aap ek circle banakar baith jaiye. Circle matlab gola. Then she asked, what is long, what is round? Look around. Aap apne aas paas dekhiye aur bataiye ki kya cheeze lambi hain aur kya cheeze gol hain. So let's see what the students are saying. So let's start with this girl. So this girl is saying, my pencil box is long and my ball is round. Look around. As you can see in the image, she is talking about pencil box and ball. Okay, let's see why she is saying that pencil box is long and the ball is round. Yeah, let's see it in detail, then we will move ahead with the next part. Okay, so सबसे पहले हम long का example देखेंगे. So ये pencil box है. Pencil box की एक length होती है, लंबाई होती है और एक breadth होती है, चौड़ाई होती है. हम इसको नापने के लिए एक scale या किसी भी लंबी चीज का use करेंगे. राइट, तो जिस भी चीज की लेंथ है और ब्रेड्थ है, लंबाई है और चौड़ाई है, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? लॉन्ग का. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ राउंड. एज यू कैन सी बॉल, द शेप ऑफ बॉल इज लाइक दिस सर्कल, इजंट इट? तो ये पूरा सर्कल जैसा है, इसलिए हम इस शेप को क्या बोल रहे हैं? राउंड. Okay, now let's see the next part. Now this boy is saying, my legs are long and my face is round. Look around. Now what is he saying? Long mein he is saying, his legs are long. As you can see, agar hume legs ki lambai ko naapni hogi, legs means pair. Ye sabhi body parts hum pichle chapter mein discuss kar chuke hai. If you haven't watched the video, please go and watch those videos. Okay? सबसे पहले हमने अगर लेग्स को मेजर करना है, नापना है, तो हमें किसी लंबी चीज या किसी स्केल की जरूरत पड़ेगी. लेकिन आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर फेस की बात करूंगी तो ही इज सेइंग फेस इज राउंड. एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर सर्कल वाला एक इमेज लाती हूँ, सो एज यू कैन सी फेस पूरा राउंड है. राइट, सो इस हिसाब से दोनों बच्चों ने लॉन्ग और राउंड के एग्जाम्पल विद्या दीदी को दिए. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग थिंक एंड डू. What we have to do? We have to draw round object in this circle and long object in this box. Okay? So हमें एक circle दिया हुआ है, इसमें हमें round चीजें सारी draw करनी है, और जो ये box दिया हुआ है, इसमें हमें long चीजें draw करनी है. So let's start with the round one. So here we can see ball and chapati or roti example is given. एक इमेज हमें बॉल की दी हुई है, एक चपाती या रोटी भी कहते हैं उसकी दी हुई है. हम यहाँ कुछ और इमेज ड्रॉ करेंगे. आपको भी ऐसे इमेज बनाने की कोशिश करनी है जो राउंड हो. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सन बनाया है. देन कॉइन कैसा होता है? सिक्का भी गोल होता है. आप अपने हिसाब से इसको बनाने का ट्राई करेंगे. देन लड्डू, लड्डू सभी को पसंद है. इसका शेप क्या होता है? राउंड, इजंट इट? देन रिंग, अंगूठी जो हम उंगली में पहनते हैं, इसका भी शेप क्या होता है? अगर हम देखें तो सर्कल होता है, राउंड होता है. राउंड को ही हम सर्कल भी बोलते हैं. ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग की एग्जांपल्स. सो यहाँ हमें दो चीजें बनाकर दी हुई हैं, एक वाटर बॉटल और एक पेंसिल बॉक्स. दो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं. हम कुछ और लॉन्ग की एग्जाम्पल बना लेते हैं. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है स्केल का, ये भी कैसा दिख रहा है? लॉन्ग. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया है ट्री का. ओके, ट्री का भी शेप क्या है? लॉन्ग. देन पेंसिल भी हमारी कैसी होती है? लॉन्ग होती है. राइट, सो इस तरीके से आप भी कुछ एग्जांपल्स खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. हियर इट इज सेइंग मैच द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फैमिलियर इन शेप. जो भी ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान, जो भी सामान यहाँ पर आपको सेम शेप का देखने को मिल रहा है, उसको आपस में मैच करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट है यहाँ पर ड्रम.
ओके, ड्रम का जो शेप है यहाँ पर जो मैंने बनाया है, इस शेप को बोलते हैं सिलेंडर शेप। कौन सा शेप? सिलेंडर शेप या सिलेंड्रिकल शेप। तो इसका शेप जो होता है ड्रम का, ये सिलेंड्रिकल होता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कैंडल, राइट? सो कैंडल का भी शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, ओके? सो इसीलिए हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। आपको मेन यहाँ पे शेप का नाम याद रखना है और कौन सा शेप कैसा दिखता है वो याद रखना है। सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है फुटबॉल, ओके? एक और बॉल हमें इस साइड दी हुई है, तो इन दोनों बॉल को हम मैच करेंगे और इनका शेप क्या है? राउंड, राइट? सो वी विल राइट राउंड। देन वी आर हैविंग बॉक्स। अब बॉक्स का जो शेप है, यहाँ हमें ब्लू कलर का एक और बॉक्स दिया है, राइट? सो इस बॉक्स को हम इस बॉक्स के साथ मैच कर देंगे और इसका जो शेप है वो क्यूब का है। देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सो क्यूब का शेप होता है जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ये सब हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ओके? नेक्स्ट है हमारी रोटी या चपाती। सेम इस साइड भी हमें दी हुई है, तो हम इन दोनों को आपस में मैच करेंगे और इनका शेप क्या हो गया? राउंड। एंड एट लास्ट वी आर हैविंग बर्थडे कैप। बर्थडे का जो कैप होता है, टोपी होती है, वो कैसी होती है? कोन शेप की। देखिए यहाँ पर मैंने कोन बनाया है और ऐसे ही यहाँ पर देखिए पेपर का कोन बनाया हुआ है, राइट? सो इस दोनों को हम मैच करेंगे और ये कौन सा शेप है? कोन शेप। सो इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने क्या सीखा? हमने बहुत सारी शेप्स के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने राउंड शेप के बारे में सीखा, इसका क्या एग्जाम्पल है? बॉल। फिर हमने क्यूब के बारे में सीखा। क्यूब क्या होता है? जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। आपने आइस क्यूब्स देखी होंगी फ्रिज में, तो आइस क्यूब का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे। सेकेंड है सिलेंडर शेप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वाटर बॉटल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हमने सीखा कोन शेप, कोन शेप का एग्जाम्पल हमने सीखा बर्थडे कैप, ओके? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। दो शेप आपको सेम देखने को मिलेगी, फर्स्ट है क्यूब और सेकेंड है स्क्वायर। आप कहेंगे मैम ये दोनों सेम ही है, लेकिन नहीं। देखो स्क्वायर जो होता है इसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है। इसका एग्जाम्पल होगा पेपर शीट। अगर आप एक पेपर उठाएंगे स्क्वायर शेप का जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो, तो वो एग्जाम्पल होगा स्क्वायर का, ओके? क्योंकि इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, बट पेपर की कोई हाइट नहीं है, वो बहुत पतला है, एक शीट है, राइट? लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें इसमें होती हैं और तीनों बराबर होती हैं। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होते हैं लेकिन हाइट नहीं होती है, ओके? नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने कोन समझा और इधर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप में और कोन शेप में क्या डिफरेंस है? ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, ओके? एज यू कैन सी हियर, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन जो होता है ट्राइंगल से डिफरेंट होता है। शेप आप ऊपर का सेम देख पा रहे होंगे, लेकिन नीचे इसका एक बेस भी होता है, ओके? सो इसका एग्जाम्पल हो गया ये बर्थडे कैप। एक और यहाँ पर आपको डाउट आ सकता है, क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगल। अब ये क्या शेप होते हैं? तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, और लेंथ जो होता है वो ब्रेड्थ से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। क्यूबॉइड जो होता है स्टूडेंट्स, वो रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा आपको, बट इसकी हाइट भी होती है, ओके? सो हाइट भी होती है, तो जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है या पेंसिल बॉक्स है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का, रेक्टेंगल का नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको कह रही थी स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस, तो आप देख पा रहे हैं स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू ब्रेड्थ। सेम क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? सो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों बराबर होती है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट होते हैं, ओके? सो ये थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम लगेगा, बट अगर अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको शेप्स को समझने में बहुत आसानी होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। वी हैव टू टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। जो बॉल जैसा शेप दिख रहा है उस पर हमें टिक करना है।
सो वेरी सिंपल, हियर वी आर हैविंग वाटरमेलन, तो इसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये बॉल जैसा दिख रहा है. बाकी ये क्या है? वाटर बॉटल. इसका शेप क्या है? सिलेंडर. देन पेंसिल बॉक्स, इसका शेप क्या है? क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. देन वी आर हैविंग आइसक्रीम कोन, ये इसका शेप कैसा है? कोन जैसा. तो राउंड शेप हमको देखना है तो वो वाटरमेलन का है, इसलिए हम यहाँ पर टिक कर देंगे. टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप, जो कैप जैसा दिख रहा है उसको टिक करना है, यानी कि कोन शेप को हमें टिक करना है. कौन सा दिख रहा है? वेरी सिंपल, दिस पेपर कॉर्न, राइट. क्योंकि कैंडल का शेप क्या होता है? सिलेंडर. रोटी का शेप क्या होता है? राउंड. एंड देन बॉक्स का शेप क्या होता है? क्यूब. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास. ग्लास कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का. हमने देखा था अभी इसका एग्जाम्पल, वाटर बॉटल भी देखा था. तो ये हम यहाँ पर टिक करेंगे क्योंकि बॉल का शेप क्या है? राउंड. बॉक्स का शेप क्या है? क्यूब. एंड इस बैग का शेप क्या है? क्यूब. क्योंकि ये भी क्यूब जैसा दिख रहा है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल लग रही है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स. ऐसे शेप को हमें टिक करना है जो मैच बॉक्स जैसा दिख रहा है. तो सिंपल है, यहाँ पे जो हमारा ये पेंसिल बॉक्स है ये बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का है, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, जैसा कि मैच बॉक्स में भी है. बाकी रोटी का शेप कैसा है? राउंड. बॉल का भी शेप कैसा है? राउंड. और ये पेपर कोन का शेप कैसा है? कोनिकल. ओके, सो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कर लिया. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लेटर्स टू. हमें क्या करना है यहाँ पर? मेक अ हाउस, टॉय, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग. यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स, फनल्स एक्सेट्रा. हमें कोई भी चीज यूज करके कुछ भी क्रिएट करना है. इसमें से हम घर बना सकते हैं, कोई खिलौना बना सकते हैं. ओके, लेट्स सी, मैंने यहाँ पर कुछ चीज बनाई है, आपको भी इस तरीके से ट्राई करना है. तो मैंने यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग्स ले ली हैं ट्राइंगुलर शेप की, और उस पर मैंने ब्राउन कलर कर लिया है. ओके, और उससे मैंने माउंटेन्स क्रिएट कर दिए हैं, पहाड़. ओके, हिल्स बना दिए हैं. फिर मैंने एक स्क्वायर लिया येलो कलर का, फिर उसके ऊपर एक पिंक कलर का स्क्वायर पेपर कट करके लगा दिया, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल पिंक कलर का पेपर कट करके लगा दिया. तो ये बन गया मेरा हट. ओके, सो स्क्वायर और ट्रायंगल को मिला के मैंने हट बनाया. फिर मैंने माउंटेन्स के पीछे एक सर्कल कट करके सन बनाया. ओके, सो ये मैंने बहुत प्यारी सी एक सीनरी बना ली है. आप भी इस तरीके से अपने आसपास की चीजों को यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है. सेकेंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे. सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच ऑल द चैप्टर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज.